एवरीवन, दिस इज हरीश गंगवार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस। टुडे आई हैव ब्रॉट द वीडियो ऑन हाउ टू फाइंड आउट एन एरर इन अ सेंटेंस। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं सेंटेंस में एरर को कैसे फाइंड आउट करें, फिर उनको करेक्ट कैसे करें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे सेंटेंस आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक भी मिल जाएंगे जहां पर ग्रामर आती है, एंड उसके अलावा जिन भी कंपटीशन एग्जाम्स में इंग्लिश आती है तो वहां भी ऐसे एरर वाले सेंटेंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें बिल्कुल बिगिनिंग से एंड तक, और वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल्स का मतलब होता है चौपाए जानवर, यानी चार पैरों वाले जानवर, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब कैटल्स बहुवचन है, आर भी सही है लगा हुआ, ग्रेजिंग इन द फील्ड कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज, पिछली एक एरर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैटल जो है उसकी स्पेलिंग इतनी होती है CATLE, कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, यह हमेशा प्लूरल में ही चलता है, सिंगुलर में नहीं चलता है। तो इसमें से एस हटाना पड़ेगा और ये सेंटेंस अब करेक्ट हो चुका है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें। नेक्स्ट, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द स्टेशन। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है। जहां भी आइदर शब्द लगा हुआ है तो या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई एक। ये निश्चित नहीं है कि दोनों में पहले नंबर का या दूसरे नंबर का, दोनों में इधर का या फिर इधर का, दोनों में से कोई एक का मतलब है कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है दोनों में से कोई एक रोड लीड टू द स्टेशन, ठीक है। आइदर जो दिखाता है वो दिखाता है सिंगुलर को, एक वचन को, ठीक है। एक वचन के अकॉर्डिंग यहां पर जो वर्ब लगी हुई है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें, और इसमें एस लगेगा। जहां पर इस तरह के सेंटेंस हो, आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द बुक्स, आइदर ऑफ द कॉलेजेस, उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगने वाली वर्ब। यहां पर लीड में एस लगाया तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस, शरद इज इनफीरियर देन राहुल। यहां भी वही सेम मिस्टेक है जो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां पर प्रीफर के साथ देन लगा हुआ था, तो ये इनफीरियर एक कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए देन ही लगता है। लेकिन एक अपवाद शायद आपने ना पढ़ा हो तो वो मैं आपको बता देता हूं। जिन कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में IOR, ठीक है, ये शब्द आते हैं, जैसे आपका इन्फीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, ऐसे शब्दों के साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं होता है बल्कि टू का प्रयोग होता है, ठीक है। जहां पर इन्फीरियर, जूनियर, सुपीरियर ऐसे शब्द आएंगे जिनमें IOR यूज होता है, तो वहां पर देन के स्थान पर टू का प्रयोग होगा। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट की बात करता है, लेकिन इसमें यस्टरडे की बात हुई है, कल। तो यहां तो यहां पर आना चाहिए पास्ट का कोई टेंस यस्टरडे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा I had received। अगर हम इसे केवल received कर दें या I had received कर दें तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और उसका समाधान अवश्य किया जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट सभी लोगों से और है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इतना तो बनता ही है, और
साथ ही साथ जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके घर परिवार में जितने पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए आप वीडियो को शेयर करिए, स्टेटस पर लगाइए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।